नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे और आप देख रही हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। देश विदेश से खेल मनोरंजन और राजनीति जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस। इन दिनों कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। वहीं झांसी के मोट में विद्युत विभाग में कार्यरत मीटर रीडरों ने आज एक लिखित प्रार्थना पत्र विद्युत उपखंड अधिकारी के माध्यम से विद्युत अवर अभियंता को लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि उनकी कंपनी पेस कंप्यूटर सर्विसेज द्वारा लगातार उनसे रीडिंग का काम तो कराया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। ऐसे में मीटर रीडरों को कोविड-19 का डर सता रहा है, जिसकी वजह से वह लोग काफी परेशान हैं। फिलहाल में प्रार्थना पत्र के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। सर, मैं पेस कंप्यूटर से मीटर रीडर हूँ, तो मेरे को कंपनी द्वारा बिलिंग के लिए फोर्स किया जा रहा है। अप्रैल माह में उन्होंने कॉमर्शियल और पावर की बिलिंग के लिए बोला था, इस माह में बोल रहे कि घरेलू भी बिलिंग चालू की जा रही है, तो आप लोगों को बिलिंग करना है। तो कंपनी द्वारा हम लोगों को ना कोई सैनिटाइजर, ग्लव्स, ना मास्क दिए गए हैं, और ना कंपनी कोई इस आपदा में, कोई भी घड़ी के आपदा में कुछ भी होता है तो हम लोगों को ना तो कोई गारंटी ले रही है। कंपनी कह रहा है आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैंने अभी प्रार्थना पत्र अपने उपखंड अधिकारी को दिया है मोट में, और मैंने एक प्रार्थना पत्र अपने पेस कंप्यूटर के लिए भी भेजा है। तो क्या हम लोग आगे काम करेंगे? नहीं, हम लोग काम तो करेंगे, पावर और कॉमर्शियल का काम करेंगे। अगर इस आपदा में अगर वो घरेलू के लिए कहेंगे तो बिल्कुल हम लोग काम नहीं करेंगे घरेलू बिलिंग के लिए। उपखंड अधिकारी ने कुछ नहीं कहा, उनने प्रार्थना पत्र ले लिया हम लोगों का। अब वो बोल रहा है कि हम आगे बात करेंगे।